गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 3 तारीख दिन रविवार केशवपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं केशवपुर प्याज मंडी में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, किस तरह का माहौल है, क्या कुछ रेट खुला है, किस तरह का मार्केट में क्वालिटी पहुंच रहा है, ग्राहकी कैसा है प्याज में, और इस समय जो है नया प्याज का कितना आ रहा है बोले, और किस राज्य से इस समय जो है प्याज मार्केट के अंदर पहुंच रहा है, और मार्केट में नए प्याज की क्या कुछ क्वालिटी पहुंच रही है, प्याज में कुछ डैमेज देखने को मिला है या फिर अभी सुपर फाइन क्वालिटी में आ रहा है। देखो जी कुछ नए प्याज ये जो अपना पुणे से आ रहा है जी, उसका कुछ इस तरह का क्वालिटी देखने को मिला जी, इस तरह का चमक देखने को मिला है प्याज में। बाकी देखते हैं इस समय जो है और पुणे के अलावा जो है किस किस जगह से, किस किस एरिया से जो है प्याज आ रहा है नए में, और पुराने में जो है इस समय किस किस एरिया से फिलहाल प्याज आ रहा है और कितना क्वांटिटी में रह गया है, और मोटे ही मुक्कल साइज में या कैसे साइज में आ रहा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और देखो जी इधर भी जो है पुराना प्याज है, और बाकी ग्राहकी देख सकते हैं दोस्तों इस समय मार्केट में कुछ इस तरह का ग्राहकी देखने को मिला जी। बाकी चलते हैं सर के पास, इधर भी काफी लोड पलटा हुआ है सर ने। देखो जी, हाँ जी सर जी नमस्कार जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर जी, आज का क्या कुछ माहौल है जी, रविवार का दिन है और कितनी गाड़ी लगी है मार्केट में? सर आज मंडी के अंदर में गाड़ियां हैं मेरे ख्याल से 5-6 गाड़ियां, 2 गाड़ी मेरे पास में। अच्छा जी, और बाकी 2-3 गाड़ियां हो रहे हैं, मतलब 5-6 गाड़ियां हैं टोटल नए प्याज में। ये पुणे का? हाँ पुणे का प्याज है। अच्छा जी, 2 पुरानी है। अच्छा जी, मंडी में बाकी 2-3 अपने नए की है। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, और एक एक सुनने में आई अफगानिस्तान की भी है। एक अफगानिस्तान है। और अलवर कितना है सर जी? अलवर है आज मेरे ख्याल से 1000 इकट्ठा होगा, 900-1000 इकट्ठा होगा। अच्छा जी, हाँ जी। तो सर जी अलवर का गाड़ी कन्वर्ट करके और जो नए पुराने सारे गाड़ी मिला करके लगभग कितना होगा जी? सर पूरा प्याज गाड़ी मिला के करीब 10-11 गाड़ी जाएंगे, 10-11 गाड़ी। अच्छा, जिसमें बैलेंस भी है कुछ? हाँ बैलेंस सारा मिला के 10-11 गाड़ी करीब हो रही है। अच्छा जी, तो सर जी बात करें ग्राहकों का, तो ग्राहकी कैसा देखने को मिला जी? ग्राहकी थोड़ी स्लो चल रही है। अच्छा, है ना, थोड़ा अलवर की वजह से ग्राहकी थोड़ा स्लो है। अच्छा, क्योंकि अलवर का थोड़ा सा माल बिका 1300-1400 रुपए। अच्छा जी, तो थोड़ा ग्राहकी उस साइड में आज ज्यादा हुई है, मतलब अगर अलवर डाउन हो जाता है तो। हाँ हाँ, थोड़ा ग्राहकी स्लो पुणे में फर्क पड़ जाता है। ये प्राइस जो अपने बिक रहे हैं ये लेकर 40 से लेकर 42-43 रुपए के बिक रहे हैं। अच्छा जी, हाँ जी। तो सर जी ये जो रेटों में तेजी देखने को मिला था ये तो दोबारा से डाउन आ गया जी? ये सर तेजी जो मिली थी ये 3-4 दिन जो बारिश जो पड़ी थी ना, हाँ जी, उस चक्कर में थोड़ी आमदनी वगैरह कम हो गया था। अच्छा, तो कारण उसका यही था, कोई माल की कमी ऐसा नहीं था कि माल कम है, ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ जो बारिश जो पड़ी थी उसमें थोड़े माल से कम हो गए। अच्छा, तो सर जी जो बाहर भी लगा हुआ है माल इधर वाली गाड़ी में, उधर तो काफी सुपर फाइन देखने को मिला। हाँ सर, ये अपनी पूना बेल्ट के माल है, अब तो बहुत अच्छी गाड़ी है, इसमें से बिके भी है 200 इकट्ठे बिके हैं, वो 1600 से लेकर 1700 रुपए का प्याज बिका भी है। अच्छा, 1600 से लेकर के 1700, 40 से लेकर 42.5 रुपए। अच्छा, 40 से लेकर के 42.5। हाँ 42.5। अच्छा जी, तो सर जी अभी तो फिलहाल कई जगह का जो है, कई स्टेटों का प्याज अभी चला भी नहीं है सर। हाँ, तो कई जने कह रहे हैं जी, मतलब जो दर्शक कमेंट करते हैं जी, जो 20 रुपए प्याज बिकेगा, तो आपका अनुमान क्या जा रहा है जी? सर देखिए इस चीज का तो मैं थोड़ा आइडिया बता देता हूँ, जैसे जब सब फसलों का माल चल जाएगा अगले महीने से माल निकलने चालू हो जाएंगे। हाँ जी, अलवर कम होएगा, और जिस तरह गुजरात भी अच्छी फसल है, नासिक में तो खैर आपकी जो बारिश पड़ी 3-4 दिन पहले उससे थोड़ा फर्क नुकसान हुआ है। अच्छा, बाकी पूना बेल्ट के माल भी बहुत अच्छे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, तो हो सकता है की 20 से 25 के बाजार आ जाए, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, तो ये कौन से महीने में जाकर के देखने को मिलेगा जी? सर ये आपको मिलेगा फरवरी के अंदर में, जनवरी भी निकल जाएगा ऐसी, मतलब फरवरी में मार्च में आपको जाकर ऐसा मिलेगा 20 से 25 वाले बाजार जो होंगे। अच्छा, फरवरी मार्च में जो एक आइडिया जो अनुमान जो मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और कई भाइयों का भी यही अनुमान था जी, जो फरवरी में मतलब देखने को मिल सकता है। हाँ, लेकिन 2-3 महीना जो है रेट अच्छा बना हुआ मिलेगा जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये बिल्कुल एकदम सही बात है। ये एक दो महीने कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिखाई दे रही है, दिसंबर जनवरी तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा जी, तो सर जी इस बार जो है पैदावार कैसा देखने को मिला, जैसे आप लोगों को अपडेट रहता है जी, सभी एरिया का हिंदुस्तान के सभी कोने से मतलब प्याज आते ही है लगभग मंडी के अंदर। सर फसल अगर देखी जाए, बातचीत जैसे हम करते हैं, बातचीत अपनी पार्टी से पूछते हैं, तो फसल तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है, बस थोड़ा सा जो ये बारिश जो पड़ी है, जो अभी नया फसल निकला था महाराष्ट्र का, उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हुई है। अच्छा, ये पहली क्रॉप जो निकलती है उसके लिए थोड़ी दिक्कत है, दूसरी जो क्रॉप है उसमें कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है। क्योंकि पिछले साल सर जी माल काफी ज्यादा भरपूर मात्रा में होने के कारण रेट काफी डाउन गया था, और कुछ प्याज में जो है गलन का भी शिकायत था, लेकिन इस बार तो गलन का शिकायत नहीं है, तो क्या
पिछले साल से प्याज जो है उत्पाद ज्यादा हुआ है या क्या है जी? सर पिछले साल से उत्पादन की तो मैं खैर थोड़ा सा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जो हमारी पूना बेल्ट के नासिक बेल्ट के माल है वहाँ पे तो माल ठीक ठाक है, गुजरात का थोड़ा माल कम बिकते तो वहाँ का थोड़ा नहीं बता पाऊंगा। अच्छा। बाकी महाराष्ट्र बेल्ट का पूरा अच्छे तरह से माल है, कोई ऐसी कम वाली बात नहीं है बिल्कुल। और सर जी जैसा कि लोग बता रहे हैं जी, जो अलवर साइड का जो प्याज है, अलवर का राजस्थान का जो प्याज है, इस बार जल्दी खत्म हो जाएगा, तो हर साल जो है कितने महीने चलता था ये अलवर का प्याज? सर वो हर साल चलता था, जनवरी भी मतलब जनवरी के लास्ट तक भी चलता रहता था। अब की बार में हमें लग रहा है कि फर्स्ट जनवरी तक, इस महीने दिसंबर तक लास्ट तक में खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी, पिछली मतलब पिछले साल का अगर देखा है तो जनवरी तक लास्ट तक चलता था। अच्छा। हाँ जी, जनवरी लास्ट मतलब एक महीने पहले ये एंड हो, अब की एक महीने पहले एंड हो जाना चाहिए। अच्छा जी, तो मतलब उससे भी कुछ प्रभाव पड़ेगा? हाँ सर फर्क पड़ेगा, अलवर उसके बता जो अलवर खत्म हो जाएगा तो फिर अपने यही माल आने हैं। हाँ जी, नासिक बेल्ट के माल आने हैं, पूना बेल्ट के रहे, अपना गुजरात के माल आने चालू हो जाएगा। अच्छा जी, तो मतलब ज्यादा तो गिरावट नहीं, ज्यादा ऐसा कुछ ज्यादा गिरावट का भी नहीं देखा जा रहा जी, क्योंकि अलवर ही जो है मार्केट को थोड़ा रोकथाम करके रखता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अलवर सबसे ज्यादा ग्राहक जो है, जो अपने लोकल मार्केट में लगाने वाले कस्टमर जो है जी, तो वो तो सबसे पहले तो वो अलवर को मतलब पकड़ते हैं जी। तो इस बार अगर अलवर खत्म हो जाएगा तो इसी में मतलब ग्रैप रहेगा जी। सर ऐसा होता ना, इनको इन लोगों को भी मार्केट में बेचना पड़ता है। अब ये वाला प्याज जो हमसे ले जाएंगे, ये प्याज को 60 रुपए किलो बेचना पड़ेगा, तब उनको कुछ दो पैसा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अलवर वाला प्याज होता है वो अपना ले आकर ये 30 रुपए से लेकर 35 का ले जाते हैं, 50 रुपए किलो बिक जाता है, तो इसलिए वो भी अपने कस्टमर है बेचारा, वो भी सोचता करता है यहाँ दो पैसा उसको मिले, इसमें 60 रुपए किलो बिकने में थोड़ी दिक्कत आती है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जल्दी भी बिकेगा, वो थोड़ा जल्दी बिक जाता है सर, 10 रुपए किलो का फर्क बहुत होता है। हाँ जी। और जो मतलब बाजार में बेचते हैं इतना तो कस्टमर को ध्यान नहीं रहता भी अभी क्या है, वो तो सीधा देखता है कि क्वालिटी क्या है क्या नहीं, 10 रुपए किलो का उनको मंदा मिलता है तो वो इसलिए अलवर की तरफ ही जाता है। बिल्कुल सर। है। तो सर जी अभी फिलहाल जो है मार्केट में अभी कौन कौन सा एरिया आना बाकी है जी? सर अभी इस 15 तारीख से सब बेल्ट चली जाएंगे, अपना नासिक का चल जाएगा, पूना बेल्ट के माल आ ही रहे हैं अपने पास में, बाकी सब जगह गुजरात वाले अभी माल नहीं चालू नहीं है, वो भी चालू हो जाएंगे। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी। तो सर जी गुजरात का जो है एक्सपोर्ट क्वालिटी रहता है क्या? नहीं, गुजरात की क्वालिटी में कोई इतना वो नहीं है, ज्यादातर जो एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है पूना बेल्ट के माल होते हैं। अच्छा जी। जैसे हमारी पार्टी है, इनका एक्सपोर्ट में जा रहा है माल, अच्छी क्वालिटी के माल जा रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए गुजरात का तो थोड़ा मैं नहीं बता पाऊंगा कि उनकी क्वालिटी किस तरह से, क्योंकि हम गुजरात से बहुत कम काम करते हैं। वैसे भी उसका तो लाल प्याज आता है, लाल भी पिंक भी गुजरात के बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटियां भी आती है, परंतु हम तो एकदम पूना ही बिकते ज्यादा। हाँ जी। सर जी अभी जो बांग्लादेश प्याज जा रहा है जी, जो भी मतलब 80-70 गाड़ी जा रहा है डेली, तो उसमें जो रेट देखने को मिला सर जी, ये जो नया प्याज का है पुराना प्याज का है जी? सर वो पुराना भी जा रहा है, थोड़ा बहुत नया जा रहा है, बाकी पुराना प्याज ही जा रहा है। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी। गोल्टी गोल्टा में? हाँ गोल्टी गोल्टा में, नहीं नया में जा रहा, नया में, नया में जा रहा है, नया में जा रहा है। अच्छा, शायद उसका भी जो है भाव 80 से लेकर 85 रुपए। हाँ जी, 80 से 85 टका मिल रहा उनका जी। अच्छा, बिल्कुल। मतलब एक बोर्डर का तो सर जी रिपोर्ट आया जी, मतलब वही लेकर के आपका 70 से लेकर 75 गाड़ी के आसपास। हाँ जी जी। और मतलब जो महंगा रेट मिल रहा है 80-85 रुपए का, जो महंगा दिनार होता है जी जी, उसका 80 से 85 रुपए का रेट, जो टका है वहाँ का महंगा टका जो है वो 80 से 85 रुपए का। ओके सर जी। और सर जी अभी बात करें पुराने प्याज का, तो उसका क्या बाजार चला जी? सर ये 40-42 रुपए किलो का जो आप देख रहे हो ये पुराना, ये 40 से 42 रुपए किलो बिक रहा है। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। 40 से लेकर 40 से 42 पूना बेल्ट का ही है जी। हाँ जी हाँ जी। और जो एमपी से आ रहा है नासिक बेल्ट का माल है। अच्छा, नासिक बेल्ट का है। नासिक बेल्ट का माल है। अच्छा, जो नया देख रहे हो आप ये पूना बेल्ट के माल है। क्वालिटी तो अच्छा है जी नासिक से भी, पुराना क्वालिटी अच्छी है, पुराने में भी बहुत अच्छा माल उन्होंने रख रखे है। अच्छा, तो सर जी ये कितना दिन चलेगा जी लगभग? और सर अब तो मुश्किल से 10-11 दिन का काम माल हो रहा है, 10-15 दिन का। अच्छा, पुराने पुराना बस 10-15 दिन और चलना है बस। अच्छा। और सर जी एमपी से आ रहा है इसमें? नहीं नहीं, एमपी के नहीं, एमपी का आ रहा है वैसे, पर हमारी मंडी में नहीं आ रहा, क्योंकि एमपी क्वालिटी हल्की पड़ गई है, तो इसलिए एमपी नहीं है। अच्छा जी। पुराने में एमपी का नहीं है। ये पुणे आ रहा है जी पुराने प्याज में? हाँ नहीं, पुणे भी नहीं आ रहा, पुणे भी नहीं आ रहा, सिर्फ नासिक महाराष्ट्र आ रहा है। और सर जी बात करें अलवर के प्याज का, तो उसका क्या बाजार चला जी नीचे ऊपर? नीचे में चला सर उसका 30 रुपए से लेकर 35-40 रुपए तक का बिका है, 30 से 40 रुपए का, 30 से लेकर 40 रुपए तक का। एक बार सर जी शॉप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर बता दो जी। केशवपुर सब्जी मंडी, दुकान नंबर 31, 97-18-35-05-24। धन्यवाद सर जी।